नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आज संपन्न हो गई है वर्ष 2016 की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित ये परीक्षा आज संपन्न हुई है। तो इसमें जो पहला प्रश्न पत्र हुआ है सुबह की मीटिंग में सामान्य अध्ययन का, उसकी आंसर की हम देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके अनुसार ऑप्शन ए इसका सही होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर टू है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, अधिकरण भाग 10 में नहीं है। ऑप्शन ए बी सी सही सुमेलित हैं चूँकि, तो इसमें आप ऑप्शन डी लगा सकते हैं। अगर आपको ये ना भी याद हो, एग्ज़ाम में नहीं याद हो कि अधिकरण किस भाग से संबंधित हैं, तो आपको यदि पंचायत नगर पालिकाएँ ये किस भाग में दी हुई ये पता है, तो उससे आप ऑप्शन डी को चूज़ कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, दूसरी तरफ सामान्य अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 सही है, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 सही है, ऑप्शन डी भी सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज। क्या कहा जाता है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव का सही आंसर ए है, 2020-21 में मनरेगा के बजट में लगभग 13% की कमी की गई। कितनी? लगभग 13% की। तो ऑप्शन हमारा क्वेश्चन था कि किस में कमी हुई है बजट में 2020-21 के, तो मनरेगा के बजट में कमी हुई, ऑप्शन ए इसका सही होगा। कितनी कमी हुई है? तो 13% की हुई है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा गया है, उन उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। तो इसमें ऑप्शन होगा बी, 1, 2 और 3। फोर ऑप्शन जो फोर्थ पॉइंट है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर सेवन, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है, जिसको हम कहते हैं कि हिंदी का महीना के नाम से जानते हैं। तो वो चैत का महीना जो है वो पहला महीना होता है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का। क्वेश्चन नंबर एट, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। इसका सही आंसर मुझे अभी नहीं मिल पाया है, आप देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा क्वेश्चन नंबर एट का। क्वेश्चन नंबर नाइन का सही आंसर क्या होगा, इसमें जो स्टेटमेंट वन है ये गलत है कि ये IIT रुड़की द्वारा ये पोर्टल नहीं तैयार किया गया, ये IIT बॉम्बे के द्वारा तैयार किया गया। किसके? IIT बॉम्बे के। तो इसलिए इसका जो स्टेटमेंट है ऑप्शन है वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, केवल दो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए इसका। ठीक है, क्योंकि IIT रुड़की नहीं, IIT रुड़की के द्वारा नहीं बल्कि IIT बॉम्बे के द्वारा तैयार किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल की, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 में जो भारतीय संस्कृति पोर्टल के बारे में पूछा गया था, ठीक है, भारतीय संस्कृति पोर्टल, तो ये IIT बॉम्बे द्वारा तैयार किया गया ना कि रुड़की। क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ट्रोपोस्फेयर। क्या होगा? ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन सी। 11 का सही ऑप्शन है सी, सल्फ्यूरिकम। 12 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन के वातावरण में आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं, ऑप्शन ए 12 का। 13 का ऑप्शन ए होगा, आसवन। 14 का ऑप्शन बी होगा, लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, डेविएट होता है। 14 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 15 का आंसर होगा ऑप्शन बी, जड़ों के निष्कर्षण से। किससे? जड़ों के निष्कर्षण से हींग प्राप्त होती है, ऑप्शन बी। 16, त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है? एम्फीबियंस, उभयचरों में, ठीक है, ऑप्शन सी होगा 16 का।
17 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था, तो ये थे हकीम सूर। 17 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ये मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए, अगर आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, बी होना चाहिए 18 का। 19 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ये जो प्रवेश राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम है, ये 1907 में आया था, तो ऑप्शन ए 19। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ए का 2 होगा, रंपा विद्रोह 1879-1880 में और पावना विद्रोह 1873-1876, तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर होगा मुबारक खिलजी, ऑप्शन सी सही होगा 21 का। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का सही आंसर होगा डी, बीसी दत्त इसका सही आंसर होगा 22 का। 23 का ऑप्शन डी, इसका भी ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रश्न के उत्तर में आपको संदेह लगता है या आपको लगता है कि ये उत्तर गलत है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, तो मैं उसको करेक्ट कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी होगा, कौन सा होगा ऑप्शन बी, वेवेल योजना 1945 में और सीआर फार्मूला 1944 में आया था, क्रिप्स मिशन आपको पता ही है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा 25 का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा, ये आप देख लीजिएगा इसका आंसर सही क्या होगा। वैसे जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी होना चाहिए, 26 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ए, ठीक है, इसमें बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो इसमें आंसर ए नहीं होगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ए नहीं होगा, क्योंकि गेहूँ जो है फ्लेरिस माइनर से ही संबंधित है, तो इसका आंसर अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन 27 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी होना चाहिए, मटर, ठीक है, मटर प्याजी से संबंधित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 इसका सही ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन बी, 28 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज सी। क्वेश्चन नंबर थर्टी का सही आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए इसका, क्योंकि नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्टी का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, ये तीनों ही सही हैं, ठीक है। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है भारत ने, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा 30 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आय होती है उसका स्रोत है निगम कर, कौन सा कर है, निगम कर, ओके, कॉरपोरेट टैक्स, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इसको आप आसानी से टिक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 33 जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित हैं, देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, वैसे मछली पकड़ना आंसर होना चाहिए इसका बी, लेकिन ए भी हो सकता है, तो इसको आप देख लीजिएगा, बताइए कमेंट्स में यदि आपको पता हो कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर 34
तो इसका ऑप्शन ए होगा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन ए सही है 34 का। 35 का ऑप्शन बी करेक्ट है, 1921 ऑप्शन बी। फिर 36 का ऑप्शन बी, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। 37 का ऑप्शन डी, सभी सही हैं, चारों सही हैं, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, 37 का डी। 38, एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई, तो ऑप्शन डी सही होगा, 38 का ऑप्शन डी सही है। 39, 39 का ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन सी। प्रश्न पत्र का स्तर काफ़ी अच्छा था, जिन अभ्यर्थियों ने भी पढ़ाई करते समय विस्तृत रूप से पढ़ाई की होगी, हर सब्जेक्ट की, हर सेक्शन की, वो निश्चित रूप से प्रश्न पत्र में अधिकतर प्रश्नों के उत्तर दे पाए होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 40। 40 का आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको आपके हिसाब से कुछ और हो आपके अनुसार, तो आप कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है? इसका आंसर अभी मैंने देखा नहीं है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 42, वन अनुसंधान संस्थान, ये देहरादून में, ए ऑप्शन हो जाएगा। 43 का ऑप्शन डी होगा, कच्छ। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए होगा, वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य, वंदे भारत एक्सप्रेस, 44 का ए। 45 का सही ऑप्शन ए है, क्या है? ए। 46 का सही ऑप्शन है जामनगर में भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला, ए होगा 46 का। 47 का सही आंसर गुजरात, क्या होगा? गुजरात, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, 47 का बी। 48 का बी होगा, गोंडवाना समूह में सबसे अधिक मात्रा में कोयला प्राप्त वहाँ से किया जाता है। ठीक है, 48 का बी। 49, क्वेश्चन नंबर 49, 49 का आंसर क्या होगा? वन और टू दोनों। ठीक है, 49 का सी होना चाहिए, क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 50 का बी ऑप्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पैरासाइट को बेस्ट फिल्म का ऑस्कर प्राइज़ मिला है 2020 के लिए। 52 का सही ऑप्शन ए है, भुवनेश्वर में हुए थे ये आयोजित खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल भुवनेश्वर। 53, क्वेश्चन नंबर 53, इसका उत्तर अभी मैंने नहीं देखा है, आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 54 में 10 टीमों ने भाग लिया था, किसमें? 54 क्वेश्चन में पूछा है, ऑस्ट्रेलिया में जो 2020 में आईसीसी महिला T20 विश्व कप हुआ था, उसमें कितनी टीमों ने भाग लिया? 10 टीमों ने। ऑप्शन बी सही होगा। 55 का ऑप्शन बी सही है, क्या सही है? बी। 56 में 98 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, मेरे हिसाब से 98 ऑप्शन में होना चाहिए था। आपको अगर पता है इसमें से ऑप्शन सही है कोई, तो आप बताइएगा कमेंट्स में। 57 में सी ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से, सी, 57 का सी। 58 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 102 आंसर आएगा, 58 का डी। 59 हम छोड़ देते हैं अभी। 60 का ऑप्शन होगा बी, 60 का ऑप्शन होगा बी। 61 का ऑप्शन डी होगा, क्या होगा? डी। 62 का ऑप्शन क्या होगा? ए। 62 का सही ऑप्शन ए है। 63 का सही ऑप्शन क्या है? बी। 63 का बी सही है। 64 का सही ऑप्शन क्या है? श्रावस्ती में साक्षरता दर सबसे कम है, बी। 64 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 65, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो देखिए, वैसे तो
इसका जो वर्तमान में 2019 के अनुसार दिया हुआ है वो 15-16% के आसपास है, लेकिन जो ऑप्शन दिए हैं उनके हिसाब से हमें सही लगाना है तो हम ऑप्शन डी लगा सकते हैं फिर 27%। क्या लगा सकते हैं? ऑप्शन डी 27%, तो ऑप्शन डी होगा 65। 66 का, 66 का होगा ऑप्शन बी, 66 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 67 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 68 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 69 का भी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वाराणसी में है इसकी स्थापना की गई है, ठीक है, व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की, बी। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें ऑप्शन बी सही है, आंवला। 71 में ऑप्शन बी सही है, क्या सही है? ऑप्शन बी। 72 में, 72 में डी ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऑप्शन डी होना चाहिए 72 का, ठीक है, ऑप्शन डी, लेकिन आप बताइएगा इसका क्या है। मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट 73, 73 में ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। 74, 74 में ऑप्शन बी होना चाहिए इसका, ठीक है, ऑप्शन बी 74 में ऑप्शन बी। 75 में ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी। 76 में ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्या होगा? ऑप्शन डी। 77 में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। 78 में ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 78 में ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 82 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 83 का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्द्रभूमि संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए मेरे अनुसार, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ऑप्शन बी होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 92 का सही आंसर ऑप्शन बी। सबसे पहले चंदेली का युद्ध हुआ है, उसके बाद चौसा का युद्ध है, उसके बाद कन्नौज का, और फिर 1565 में तालिकोटा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर ऑप्शन बी, विलियम विल्सन हंटर, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए, केवल पहला स्टेटमेंट ठीक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 97 में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बैगनी रंग का होता है ये टैक्स का कलर। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 99 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 100 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 102 का सही आंसर है, 102 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 103 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, सही आंसर जो मैं बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो टिक लगे हैं कहीं पर टिक आंसर में लगा, जो लगा है वो सही नहीं है, आंसर दूसरा सही है, इसलिए जो मैं आंसर बोल रहा हूँ आप उसी आंसर को सही टिक करेंगे। 103 का सही आंसर ऑप्शन सी, 104 का सही ऑप्शन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन 105 का सही आंसर ऑप्शन सी, क्वेश्चन 106 का सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, क्वेश्चन 107 का सही आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, क्वेश्चन 108 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर ऑप्शन बी भी हो सकता है, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 108 का मेरे अनुसार ऑप्शन ए, क्वेश्चन 109 का सही आंसर ऑप्शन सी, क्वेश्चन 110 का सही आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, क्वेश्चन 111 का सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, क्वेश्चन 112 का सही आंसर है ऑप्शन सी, क्वेश्चन 113 का सही आंसर है ऑप्शन बी, क्वेश्चन 114 का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्वेश्चन 115 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 116 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 117 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 118 का सही ऑप्शन आंसर है ऑप्शन बी, 119 का सही आंसर मेरे अनुसार ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन मेरे अनुसार जो इसमें ऑप्शन है कोई सही नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ऑप्शन डी ही हो सकता है सबसे करीब, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 120 का सही आंसर ऑप्शन सी, 121 को अभी छोड़ देते हैं, इसका सही उत्तर नहीं मिल पाया मुझे। 122 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 123 का सही ऑप्शन ऑप्शन आंसर ऑप्शन सी, 124 का सही आंसर ऑप्शन ए, 125 का सही आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, 126 का सही आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए मेरे अनुसार, 127 का सही आंसर ऑप्शन सी, 128 का, ये कैलकुलेशन वाले प्रश्न अभी छोड़ देते हैं, 128 और 129, 130 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 131 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 132 छोड़ देते हैं, 133 का सही आंसर ऑप्शन सी, 134 का सही आंसर ऑप्शन बी, 135 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 136 का सही आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए मेरे अनुसार, ऑप्शन बी, 137 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 138 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, 139 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, और 140 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह 140 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं, जहाँ तक संभव है सही उत्तर देने की मैंने कोशिश की। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे उसमें सुधार किया जा सके। और जो भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आगामी परीक्षा जैसे PCS प्री परीक्षा 2020 की देने जा रहे हैं, वो इस प्रश्न पत्र को ध्यान से देख लें, प्रश्नों का स्तर कैसा है, किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, उसी के अनुसार तैयारी करें। तो हमारे चैनल से GS की तैयारी करने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, और प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।